हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप अभिषेक के साथ। आई होप आप इस समय सभी अपने घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। एंड ये वीडियो मेरी मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के बाद आई होगी, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज की वीडियो हम जानेंगे हम किस तरीके से अपने शाक की केयर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी नेसेसरी है जो हमें शाक के लिए चाहिए होती है और शाक के बेनिफिट क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में जैसे हम शार्क की बात करेंगे, तो सबसे पहले शार्क के नेचर के बारे में जानते हैं कि शार्क किस नेचर की होती है, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से बिहेव करती है। शार्क में खास बात यह है कि शार्क आपके एक शाय फिश हो। जनरली न्यू बिगनर जो आपके एक्वेरियम रखने जा रहे होते हैं, सबसे पहले उनके माइंड में यही सवाल आता है कि अगर हम शार्क रखेंगे तो क्या वो शार्क दूसरे को काटेगी नहीं, क्या वो शार्क दूसरे को अटैक नहीं करेगी। तो ये डाउट आपका मैं क्लियर करता हूँ। खास बात यह है कि शार्क एक पीस लविंग फिश है। पीसलिंग फिश के साथ मतलब कि ये किसी भी फिश को अटैक नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो। शार्क के पीस लविंग होने की वजह से हम शार्क को किसी के साथ भी रख सकते हैं। यही इसकी खास वजह है कि हम शार्क को किसी भी मेट के साथ रख सकते हैं, चाहे वो गोल्ड फिशेज हो, चाहे वो सॉफ्ट फिशेज हो, या फिर चाहे वो हार्ड फिशेज हो। पीस लविंग फिश के अलावा शार्क का एक दूसरा नेचर जो होगा वो आपका नेचर होगा शाई एंड जंपी फिश। शार्क इवन बहुत ही डरपोक फिश होती है। डरपोक इन द सेंस, अगर आप हल्के से टैंक को कुछ भी हिलाओगे या टैंक के अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंस होगी ना, सबसे पहले फिश जो आपको मूवमेंट करेगी, सबसे पहले फिश जो डिस्टर्ब होगी वो शार्क होगी। शार्क इकलौती ऐसे फिश सबसे डरपोक होती है। अगर आप टैंक को थोड़ा सा भी छेड़ोगे ना, तो शार्क इतनी जल्दी डर जाते हैं। वो इवन इतनी डरपोक होते हैं कि जब भी आप पानी चेंज करते हो, पानी चेंज करने के बाद शार्क आपकी 1 से 2 दिन तक खाना नहीं खाते, कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है वो। एंड अगर इसके अलावा अगर आप शार्क रखने की सोच रहे हो, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शार्क स्कूलिंग फिश है। स्कूलिंग फिश का मतलब कि वो फिश जो ग्रुप में रहती हो। अगर आप शार्क लेने का प्लान कर रहे हो और आपका टैंक 2 फीट का, तो आई रिकमेंड आप एटलीस्ट 2 शार्क तो रखें। अगर आप सिंगल शार्क रखेंगे तो जनरली आपकी वो शार्क टेंस रहेगी, और टेंस तो स्ट्रेस रहने की वजह से शार्क आपको स्विम नहीं करेगी। स्कूलिंग बिहेवियर होने की वजह से शार्क को अपने ग्रुप में रहना बहुत पसंद होता है। जितना ज़्यादा आप शार्क को ग्रुप में रखोगे, शार्क उतनी ज़्यादा एक्टिव और उतनी ज़्यादा आपकी हेल्दी रहेगी। देन बहुत से सब्सक्राइबर मेरे से ये पूछते हैं कि हम एक टैंक में कितने शार्क रखें, कैसे रखें। अगर आपका टैंक 2 फीट का है तो एटलीस्ट 2 शार्क रखिए, 3 फीट का है 3 शार्क रखिए, 4 फीट का है 4 शार्क रखिए। ये सिंपल सा रूल है। अगर मैं शार्क के टैंक साइज की बात करूं, तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 2 फीट का टैंक तो चाहिए, क्योंकि शार्क बहुत जल्दी ग्रो होती है। एक मैच्योर शार्क आपको एटलीस्ट 2 से 3 फीट की हो जाएगी। जैसे कि मेरे शार्क देखिए, ये शार्क इस समय एटलीस्ट 1 फिट की है, और ये अभी से मेरे टैंक को आउटग्रोथ कर चुकी है। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा टैंक मेरा घेर रही है। इसलिए अगर आप शार्क रखने सोच रहे हो, तो एटलीस्ट अपने आप शार्क को 2 से 3 फिट का टैंक दीजिए, क्योंकि ये शार्क बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के बाद आपकी शार्क फिश आपके टैंक को आउटग्रोथ करेगी। शार्क का साइज बहुत जल्दी बढ़ता है। एक मैच्योर शार्क का साइज एटलीस्ट आपको 2 से 3 फिट का हो जाएगा, अगर आप उसे अच्छा स्पेस दोगे। तो अगर आप एक फिश लवर और आप चाहते हो कि आपकी शार्क का साइज अच्छा बढ़े, तो एटलीस्ट उन्हें 6 से 5 फीट का टैंक दे दीजिए। अगर हम शार्क के टाइप्स की बात करें, तो शार्क के टाइप आपको मार्केट में, जनरल मार्केट में आपको 2 से 3 टाइप की मिलेगी। जनरली हमारे इंडियन मार्केट में आपको 2 टाइप की शार्क मिलेगी, जिसमें हमारी एक है 3 लाइन शार्क। ये आपको मार्केट में नॉर्मल शार्क के नाम से, 3 लाइन शार्क के नाम से, और इरिसिडेंट शार्क के नाम से मिलेगी। तो जो आपको स्टार्टिंग जो शार्क मिलेगी, वो आपकी 3 लाइन शार्क में होगी। और इसी में जो आपकी इम्पोर्टेड वैरायटी आती है, वो होती है अल्बाइनो शार्क। ये अल्बाइनो शार्क है सेम, ये अभी थोड़ी छोटी है और आने वाले टाइम में बड़ी हो जाएगी। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ शार्क जो अल्बाइनो शार्क है, सेम इसी की तरह होती है, बट अभी ये पूरी वाइट रंग की होगी, थोड़ी सी वाइट ऑफ वाइट कलर में। इस शार्क का नाम होगा अल्बाइनो शार्क। जो इसके अलावा सेम सिमिलर दिखने वाली शार्क होती है, वो होती है परून शार्क। परून शार्क इससे थोड़ी ज़्यादा सुंदर होती है और इससे थोड़ी बड़ी ग्रोथ करती है। परून शार्क एंड 3 लाइन शार्क में जो डिफरेंस होता है, वो होता है उनके साइज का और उनके फिन का। अगर आप फिन देखेंगे, तो उनके फिन का फिन की साइज और फिन की लेंथ नॉर्मल शार्क से आपकी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, और वो फिन उसकी शार्क की लुक देती है। अगर आप 3 लाइन शार्क एंड परून शार्क में से कुछ प्रीफर करेंगे, तो आई रिकमेंड आप हमेशा परून शार्क लीजिए। परून शार्क 3 लाइन शार्क से थोड़ी सी ज़्यादा सुंदर होती है और काफ़ी अच्छी भी लगती है देखने में। बट शार्क आपके टैंक में होने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इसके बेनिफिट क्या होंगे? सबसे पहले, जैसे कि अगर आपका कोई भी नया टैंक है और आपके टैंक को मैच्योर करना है, बहुत जल्दी मैच्योर करना है, या आपको लगता है कि मेरे टैंक मैच्योर होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो आप किसी भी फिश, अगर आप सबसे पहले फिश अपने टैंक में ऐड कर सकते हो 1 वीक के बाद, वो शार्क होती है।
खाली पानी चलाने के बाद, उस साइकिल करने के बाद सबसे पहले फिश जो आप ऐड कर सकते हो शार्क हो सकती है। शार्क बहुत ही लेस मच्योर पानी में भी सर्वाइव कर जाती है, और जैसे ही आपकी शार्क उस पानी में सर्वाइव करती है वो आपके पानी को और जल्दी और फास्टर रेट में मैच्योर करना स्टार्ट कर देता है। जितनी जल्दी आप शार्क को अपने टैंक में डालोगे उतनी ही जल्दी आपका वो टैंक क्या होगा मैच्योर, और जितनी जल्दी आपका टैंक मैच्योर होगा उतनी ही जल्दी आप उसमें और फिशेस ऐड कर पाओगे। अगर आप इस हॉबी में पुराने हैं तो आपको पता होगा साइकिल टैंक का मतलब क्या है। बाकी एक साइकिल टैंक में एक अलग से टॉपिक कवर करेंगे कि साइकिल टैंक और मैच्योर टैंक क्या होता है, बट किसी भी टैंक को मैच्योर करने के लिए शार्क का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस टैंक की मैच्योरिटी का रेट शार्क स्टार्टिंग में बहुत फास्टर कर देता है। गोल्ड फिश एंड ऑस्कर फिश, ये सब फिशेस बहुत जल्दी मर जाती है उस अनमैच्योर टैंक में और लेस मैच्योर टैंक में। बट वही चीज़ कंपेयर करें हम शार्क की, तो शार्क बहुत ही जल्दी उस वाटर में अपने आप को अडॉप्ट करती है और उस वाटर को मैच्योर करने में काफ़ी हेल्प करती है। ये तो वो फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट की बात करें, शार्क एक एक्टिव स्विमर होती है। एक्टिव स्विमर होने की वजह से शार्क वो हमेशा आपको टैंक में एक जगह से दूसरी जगह आपको घूमते हुए दिखेगी, जिसकी वजह से आपको टैंक बहुत एक्टिव मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे फिशेज होती है, जैसे हार्ड फिशेज होगी एंड गोल्ड फिशेज, सॉफ्ट फिशेज में गोल्ड फिशेज होगी, ऑस्कर होगी, पैरेट होगी, जनरली ये इतना स्विम नहीं करते, बट शार्क होने की वजह से आपके वाटर करंट को चेंज करते रहते, आपके वाटर में एक मूवमेंट कॉज करते रहते, जिसकी वजह से बाकी फिशेज को भी एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे इस समय देखिए, एक शार्क होने की वजह से मेरी बाकी सारी फिशेस कितनी ज़्यादा एक्टिव है, सिर्फ शार्क की मूवमेंट की वजह से। तो शार्क आपके टैंक को एक्टिव लुक देता है। अगर यही चीज़ आपकी शार्क नहीं होगी तो आपके पानी का मूवमेंट बहुत स्लो होगा और आपकी सारी फिशेस बहुत स्लो स्विम करेगी। तो आपके टैंक को एक्टिव रखने के लिए आपको शार्क का होना भी बहुत ज़रूरी है। शार्क को रहने के लिए ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चलता, एटलीस्ट ये आपके 22 से 26-28 डिग्री सेल्सियस तक आपके पानी के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको शार्क का फूड चाहिए होता है, अलग से फूड लेना पड़ेगा। जो शार्क होती है, शार्क हमारी ओमनिवोरस होती है, मतलब कि ये वेज एंड नॉन वेज दोनों खा सकते। मैं अपनी शार्क को जो फूड देता हूँ, मैं जैसे कि मैं लास्ट वीडियो कोई की वीडियो में बताया कि मैं अपनी शार्क को ऑप्टिमम एंड रिमोरा दोनों का फूड मिक्स करके देता हूँ। दोनों का फूड मिक्स करने की वजह क्या होती है, कैसे करेंगे, इस पर अलग टॉपिक की बात करेंगे। मैं अपने फिशेज को क्यों सिर्फ एक टाइप का फूड नहीं देता, या फिर अपने फिशेज को मैं तो दूसरे टाइप का फूड अल्टरनेट डेज में क्यों लगता, या फिर मैं अपने फिशेज को सिर्फ दो टाइप के फूड मिक्स करके क्यों दे रहा हूँ, इसका एक खास वजह है कि अपने फिशेज को मैं दो टाइप का फूड क्यों दे रहा हूँ। बट इस समय जो अपने शार्क्स में फूड दे रहा हूँ वो हमारे पास है ऑप्टिमम एंड शार्क फीड रिमोरा। ये बहुत ही बेस्ट फूड लगते हैं मेरे को, क्यों, क्योंकि इन दोनों में ही आपके फूड कलर बहुत कम है, और फूड कलर कम होने की वजह से ये दोनों फूड मेरे पानी को बहुत कम गंदा करते और हाईली न्यूट्रिशन है। आई अगेन रिकमेंड कि जितना कम आपके फूड में कलर होगा उतने ही फूड आपके फिशेज के लिए क्या होगा वो बेस्ट होगा। देन लास्ट बात हम करेंगे इसकी प्राइस की, किसकी प्राइस क्या क्या हो सकती है। जो भी मैं आपको प्राइस बताता हूँ ये मेरे लोकल शॉप से, मेरे लोकल एरिया की होती है, प्राइस आपके आपके एरिया के हिसाब से, आपकी शॉप के हिसाब से वेरी कर सकता है, बट आपको प्राइस इसी के आजू बाजू ही मिलेगा। एक छोटी शार्क जो आपको मिल सकती है वो एटलीस्ट 60 से 90 रुपीस पेयर के आसपास मिल सकती है। ये जो आपका प्राइस होगा ये मेरे डेली का रेट है, जो मैं अपने एक लोकल वेंडर से लेता हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।